महेश्वर तहसील के ग्राम नागझिरी में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भवानी चौक में पूर्णिमा पर्व पर निमाड़ के गुरु श्री संत सिंगाजी महाराज, भगवान श्री गणेश, भोलेनाथ जी और मां सरस्वती और रावण की झांकी निकाली और संत सिंगाजी महाराज की महाआरती कर हलवे का प्रसाद बांटा गया। ग्राम भुदरी में शरद पूर्णिमा पर्व पर गाँव के संत सिंगाजी महाराज के मंदिर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी गाँव की भजन मंडली द्वारा जान मृदंग बजाकर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई और 11 किलो घी के हलवे की प्रसादी बनाकर बांटी गई। यहां पर श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर तुला दान करते हैं। इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। महाराज के जो गुरु पूर्णिमा है सर, तो शरद पूर्णिमा पूर्णिमा दिवस मतलब ऐसे कि ऐसे हर साल सिंगा महाराज का प्रसाद बढ़ता है पूरे गांव में और गांव की धर्म देवी जनता प्रसाद लेती है। रात भर गाना बजाना होता है और गाने बजाने के बाद प्रसाद बढ़ता है। ये कार्यक्रम यहाँ पर कब से हो रहा है? ये कई साल से चल रहा है, करीबन कम से कम 1000 वर्ष साल हो गए। अपने गाँव में कब से कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? ये यहाँ से हमारा तो जीवन सर पूरा निकल गया। और यहाँ ये गाने बजाने के अलावा और भी क्या क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे मंदिर में? गाने बजाने व्यवस्था ये है कि सिंगा महाराज का कार्यक्रम ज्यादा होता है सर। उसके सिंगा जी और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? और सर देखो यहाँ कार्यक्रम सुबह शाम सिंगा महाराज की आरती होती है और खास विशेषता ये है कि यहाँ पर सिंगा जी महाराज के पगले ऑटोमेटिक निकले हुए हैं। ये पगले कब निकले थे? ये सर 2 वर्ष पहले निकले थे। 2 वर्ष उसके साथ और भी यहाँ पे जैसे पूजा पाठ मन्नत वगैरह भी होती है? मन्नत मान वान चढ़ती है, जो भी जिनका काम होता है मान वान उतारने भी आते हैं। संत सिंगाजी महाराज का जन्म ग्राम भजोरी में हुआ। दूसरी बात यह है कि सिंगाजी महाराज का जन्म नवमी और दिन बुधवार के रोज हुआ था। और इन्होंने समाधि कब ली थी संत सिंगाजी महाराज की? संत सिंगाजी महाराज की समाधि को भी काफी समय हो गया, नवमी को रोज ही समाधि ली थी उन्होंने। आप क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम तो गणेश यादव लिखता हूँ। कहाँ के रहने वाले आप? यही का रहने वाला, भुदरी ग्राम। एक कार्यक्रम जो भारतीय संस्कृति के अनुसार परंपरागत ग्रामीण संस्कृति जो कि माँ जगदम्बे के दरबार में पिछले लगभग 200 वर्ष पुराना है, पारंपरिक चलते आ रहा है। शरद पूर्णिमा जो कि हम सबके निमाड़ के जीते जागते संत और जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे निमाड़ जिले के द्वारा संत सिंगाजी महाराज के अवसर पर कार्यक्रम लगभग 25 वर्षों से मेरे अंदर ये लगातार चलते आ रहा है क्योंकि हमारे संत सिंगाजी के समाज के मूल्य होने के कारण और दूसरे समाज के लोग भी संत सिंगाजी को अपना आराध्य मानते हुए और काफ़ी समय से रंगारंग कार्यक्रम मान जगदम्बे के दरबार में करते आ रहा है ताकि सभी अभी भव्य आरती होगी, उसके बाद में पूरे गाँव से द्वारा किया जा रहा है। वो तो बोलता रहेगा यहाँ पर चयन करने के लिए।
मनाया जाता है और यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।